हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची सहारनपुर के पीजीआई अस्पताल। हम इन कर्मचारियों के बीच में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की इन लोगों की समस्या है। कोरोना काल में दिखाया सच, आज फिर खोलेंगे अस्पताल की पोल। कोरोना योद्धाओं को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। हमें पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है और हमारे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ। इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा। 5 महीने कम नहीं होते, 6ठा महीने चल रहा है। अस्पताल में रिपोर्टर ने अधिकारियों से पूछे सीधे सवाल। इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस प्रकार का आश्वासन आपको कुछ नहीं दिया गया? कोई आश्वासन नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए नहीं सर, ये तो यहाँ पर 6 महीने से यहाँ पर छह महीने से यहाँ पर जो है कोरोना काल में इन लोगों ने यहाँ पर काम किया है और तनख्वाह इन लोगों को नहीं मिली, इनका भी परिवार है। मैं जो काम करने आया हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, इसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप। देने नहीं आया हूँ। सहारनपुर के पिलखनी मेडिकल कॉलेज, जहां पर यूपी सैनिक कल्याण निगम के अंडर में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया, लेकिन 6 महीने से अब तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाई। कर्मचारी रोज तनख्वाह मिलने की आस में मेडिकल कॉलेज आते हैं, लेकिन निराश ही लौट जाते हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों से बार बार कर्मचारियों के द्वारा अपनी समस्या बताने के बाद भी उनके कानों पर आज तक जूं नहीं रेंगी है। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा, और जब हमारे रिपोर्टर ने अधिकारियों से सवाल पूछा तो देखिए वो क्या बोले। सर 6 महीने से ये लोग यहाँ पर वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वेतन इन्हें मिला नहीं है। कोरोना काल में इन लोगों ने ड्यूटी की है, जान हथेली पर रखकर, वेतन नहीं मिला है। आपको ज्ञापन भी सौंप दिया है आज इन्होंने, तो किस प्रकार का आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? हम इसके बारे में भाई प्रिंसिपल साहब बताएं, इस बारे में प्रिंसिपल बताएंगे। जो बातें हो रही है बता रहा हूँ कि इन लोगों का जो कुछ भी है, नहीं आप भी तो जिम्मेदार हैं। ये लोग यहाँ से 6 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं, जान हथेली पर रखकर इन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी की है। 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इनका भी परिवार है। इन लोगों का टेंडर हो चुका है, टेंडर फाइनल हो जाएगा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी का तो सीधा आदेश है कि जिन लोगों ने कोरोना काल में ड्यूटी की है मेडिकल कॉलेजों में, उनको जो है तनख्वाह दी जाए। तो 6 महीने से ये लोग परेशान है। सर बोलिए बोलिए सर। हेलो जी 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 बताइए जी बताइए सर। भाई मैं इसलिए अथराइज नहीं हूँ भाई। आप ये बताइए मुख्यमंत्री जी का क्या आदेश है, ये तो बता सकते हैं आप। अरे कुछ तो बोलिए। ये लोग भी जो है जान हथेली पर रखकर इन लोगों ने 6 महीने कोरोना काल में भी यहाँ पर जो है मरीजों की सेवा की है, इनका भी परिवार है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, कुछ तो आश्वासन दीजिए। ज्ञापन इन लोगों ने सौंपा है। प्रिंसिपल साहब इस बारे में बात करें प्लीज़, हम कुछ नहीं बोल रहा पाएंगे, हम नहीं बोल टूट रही थिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कर्मचारी हैं, यहाँ पर 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, इनका भी परिवार है। जबकि मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश हैं कि जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी की है उनकी तनख्वाह तुरंत दी जाए। आप बताइए आपका क्या नाम है? सर हम सैनिक कल्याण स्टाफ से यहाँ पर पिछले 6 साल से कार्यरत है। हमें पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है, और कारण यह बताया जा रहा है बार बार कि आपका टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो जब तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाएगा तब तक हमारी सैलरी, हम अपने घर कैसे चलाएंगे? हमारी पिछले वाली सैलरी तो जिसके हम अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके थ्रू निकाल सकते हैं, परंतु इसके संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं, अगर योगी सरकार के यह आदेश है कि भाई किसी की भी सैलरी रोकी ना जाए, तो हमारी भी सैलरी जल्द से जल्द हमें प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद। तो सभी ने कोरोना काल में यहाँ पर ड्यूटी की है? सभी ने की है। हाँ जी हमने भी करी है। तो सैलरी ना मिलने की वजह से किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने है बताओ? हर तरह की आर्थिक समस्या आ रही है घर में, और हमारे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ। इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा। 5 महीने कम नहीं होते, 6ठा महीने चल रहा है। तो सैलरी के लिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर गुहार लगाई है ये बताओ आप? हमने डीएम के यहाँ पर लगाई है और कमिश्नर साहब के यहाँ भी लगाई है। अभी आज उनको विज्ञापन हमने सौंपा है इसी चीज़ को लेके, क्योंकि हमें 5-6 महीने से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमने तब भी कोई स्ट्राइक कुछ नहीं किया है कि हम 5-6 महीने से हमने अपने काम पे नहीं गए हैं या हमने काम नहीं किया है। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है कि हमें सैलरी प्रदान कराने का कष्ट। आप सभी ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, 6 महीने हो गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, किसी प्रकार का कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है या नहीं?
एडीएम साहब ने बोला है यहाँ के अधिकारियों को कि कल तक कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, अगर कल तक भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद हम एक लेटर देंगे जिसमें कि हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने की उसमें सूचना प्रधानाचार्य जी को दे देंगे। आप बताइए जी, आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? सर मैं 2016 से स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। सर हम इतनी दूर से हैं, कमाने वाले मैं घर पे हूँ, बीवी बच्चे हैं, उनकी फीस नहीं गई है सर, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। अच्छा, तनख्वाह आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है? कुछ तो आपको बताया गया होगा। सर ये बोलते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जबकि योगी जी का आदेश है, माननीय योगी जी का आदेश है कि जल्द से जल्द किसी की भी सैलरी नहीं रोकी जाए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो यहाँ पर आपने देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पर रखकर यहाँ पर मरीजों की सेवा की है, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार ये तनख्वाह के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार है, यहाँ पे मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ पूर्व सैनिक कल्याण निगम से। हम मैं यहाँ 2015 से कार्यरत हूँ और ये सभी स्टाफ 2015 से कार्यरत हैं। अभी इतना बीच में अच्छा चला था और कोरोना काल में सब कुछ ठीक चला था, पेमेंट अप्रैल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। या अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमें इनको बच्चों को तभी बोल देते कि आप लोग चले जाइए अपने घर, या तो कोरोना काल में ड्यूटी ना करवाएं। और जब कोरोना काल में ड्यूटी करवा ली है तो फिर उनको पेमेंट भी देना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई हमारा इनका बच्चों का पेमेंट करवाइए, जल्दी करवाइए। अभी किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसका घर कैसे चल रहा है? आप सुपरवाइजर हैं, ये सभी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। आपने किस प्रकार का प्रयास किया है तनख्वाह दिलवाने के लिए? हमने सब तरह का प्रयास कर लिया। हमें यही बोला जाता है हर बार कि टेंडर होगा, टेंडर के बाद प्रक्रिया होगी। डीएम साहब को भी लेटर दे दिया गया है, सैनिक कल्याण निगम ने लखनऊ भी लेटर दिया हुआ है और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए, जो जिम्मेदार अधिकारी सहारनपुर मुख्यालय पर बैठे हुए हैं उनसे आप लोगों ने मुलाकात की है? ये हमारे स्टाफ गए हैं और रिपोर्ट भी दी है, उनको सौंपा है, अब ज्ञापन सौंपा हुआ है। तो क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? आश्वासन यही मिला है कि टेंडर कंपनी का जिस दिन जब हो जाएगा उसके बाद सैलरी मिलेगी। ये तो योगी जी का सीधा कहना है कि जब से तक आपको कोरोना काल में जिसने भी जवान ने ड्यूटी की है, नर्स ने, स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में, उनकी सैलरी नहीं रोकी जाए, लेकिन हमारी सैलरी रोकी जा रही है। सैलरी तो नहीं रोकनी चाहिए, जब ये ऊपर के आदेश हैं, ये तो योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, तो उस पर भी गंभीरता से लेना चाहिए ये चीज़। इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस प्रकार का आश्वासन आपको कुछ नहीं दिया गया है? कोई आश्वासन नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए, चलिए। नहीं सर, ये तो यहाँ पर 6 महीने से यहाँ पर छः महीने से यहाँ पर जो है कोरोना काल में इन लोगों ने यहाँ पर काम किया है और तनख्वाह इन लोगों को नहीं मिली, इनका भी परिवार है। मैं जो काम करने आया हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, इसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप? देने नहीं आया हूँ। नहीं तो आश्वासन कौन देगा ये बताइए आप? ये प्रिंसिपल जाने यहाँ के, हम इसका आश्वासन देने नहीं है। हमने ईज करने के लिए कह दिया कि जल्दी आप टेंडर फाइनल कर दीजिए। नहीं, आपने उनकी समस्या तो सुनी है सर। सुन लिया तो समाधान होगा या नहीं? समाधान क्यों नहीं होगा, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है समाधान कराना, ठीक है? बस कितने समय तक सर समाधान होगा? भाई मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता बहुत टेक्निकली चीजों को, ठीक है? ये जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन इन लोगों के द्वारा आज दिया गया है और इनकी मांग है कि 6 महीने से इनका जो वेतन रुका हुआ है वो इनको जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि इनका भी पीछे परिवार है। और इन लोगों की यदि हम बात करें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पर रखकर मरीजों की सेवा करने का काम किया है, लेकिन आज ये लोग तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन तनख्वाह इनकी मिल नहीं रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।